निशा ने किया शॉकिंग खुलासा, बताया कैसे हुई थी अपने फ्रेंड से अट्रैक्ट। वेल, क्या कुछ शेयर किया निशा ने, आइए जानते हैं। रियलिटी शो लॉकअप में कंटेस्टेंट्स अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। करण मेहरा की वाइफ निशा रावल ने भी अपनी निजी जिंदगी से जुड़े एक बड़े राज का खुलासा किया है। निशा रावल ने बताया कि करण मेहरा से शादी में रहने के दौरान वो किसी दूसरे शख्स को पसंद करने लगी थी। निशा रावल ने अपना सीक्रेट बताते हुए कहा कि मेरे पूर्व पति करण मेहरा से मेरी 2012 में शादी हुई थी। इसके 2 साल बाद यानी साल 2014 में मेरा मिसकैरेज हुआ था। जिस बच्चे को हमने खोया था वो 5 महीने का था। मैं एक हिंसक रिश्ते में थी। जब 5 महीने में मेरे बच्चे का मिसकैरेज हुआ तो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। मेरे शरीर और दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। इस हादसे से मेरा दिल टूट गया था। इस दौरान हम एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। इस घर के पास एक पुराना दोस्त था। हम कई साल से एक दूसरे के टच में नहीं थे। ऐसे में मैंने उससे बात करना शुरू किया। निशा रावल ने आगे कहा, अपने दोस्त से मैंने शारीरिक शोषण की बात छोड़कर सभी बातें शेयर की थी। हम दोनों जब भी मिलते थे करण को इसके बारे में जानकारी होती थी। मैं अपने दोस्त के करीब आने लगी थी। मैं कहीं न कहीं उनकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। मेरे रिश्ते में मुझे वो सपोर्ट महसूस नहीं हो रहा था। एक पल ऐसा भी था जब मैंने उसे किस किया। मैंने ये बात अपने एक्स पति के साथ भी शेयर की थी। उस दौरान मुझे एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता टूट चुका है। वेल, निशा की इस बात को सुन कई लोग शॉक्ड हैं, लेकिन कई उनकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको निशा के इस राज ने कितना शॉक किया, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।